स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, लुक एट दिस, अरवी के पत्ते यानी कि रिकवच यानी कि अरवी के पकौड़े। तो चलो इसे कट कर लेते फ्रेंड्स। इसे देखो, मैं अच्छे अच्छे पत्ते इसमें के निकाल लेते हैं, मुझे केयरफुली करना पड़ेगा, इसके दाग लग जाते हैं हमें। तो श्रुति तुम इधर आ, जरा इसे पकड़ लो। तो मैं इसके अच्छे अच्छे पत्ती ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ढेर सारा, अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे घर पे विजिट कर सकते हैं। देखिए कितना सारा लगा है ये। तो बढ़िया बढ़िया मैं पत्ते ले ले रही हूँ, तो कुछ यहाँ से भी ढेर सारे दोस्तों। तो फ्रेंड्स अरबी के पत्तों को मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। अब धोने के बाद इसका पानी हमें अच्छे से सुखा लेना है, और ये जो डंठल है इस डंठल को भी अच्छे से कट कर देना है। सो फ्रेंड्स इन पत्तों को अच्छे से पोंछ लेना है, इनमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से किसी भी कपड़े है, पानी अगर इसमें रहेगा तो क्या है ना, मसाले अच्छे से चिपकेंगे नहीं। तो इसी तरह से सभी पत्तों को अच्छे से पोंछ लेना है। तो जूरी बनाने के लिए मैंने देखो यहाँ पे ढेर सारा लहसुन और इतना अदरक ले लिया है, और मैंने यहाँ पे ढेर सारी हरी मिर्ची ले ली है, ये मिर्ची का अचार इसे भी ले लिया है मैंने, और अचार जरूरी है। तो यहाँ पे जीरा और काली मिर्च ले ली है, और ये हर्रे है, मैंने यहाँ पे दो हर्रे लिया है। इससे क्या रहता है, गले में खुजली नहीं होती है, और पेट में हजमी के लिए भी बहुत ये लाभदायक रहता है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि हर्रे आप जरूर डालें, और 100% रिजल्ट के लिए इससे जरा भी खुजली नहीं होगी गले में। तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसी मसाले में ही ले लूंगी, और मैं अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये मेरा मसाला है, ये रेडी हो चुका है। तो इसे एक कटोरी में मैं उठा लेती हूँ। चुके हैं तो चलिए बेसन का बैटर बना लेते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे बैटर बनता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो बड़े कप बेसन लिया है, तो मेरा चने का बेसन है। यहाँ पे मैंने ये मसाला डाल दिया है, साथ ही साथ एक चम्मच में इसमें हल्दी डाल दूंगी, और साथ ही साथ आमचूर पाउडर में आधा चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पे एक बड़ा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला लिया है, और आमचूर पाउडर मैंने डाला है। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आम का अचार डाल सकते हैं, आम का अचार भी नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, पर खट्टा डालना जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिला लेंगे इसे। ठीक बैटर इसका बनाना है हमें, ज्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो संभलेगा नहीं हमसे। तो याद रखे कि मोटा ही बैटर इसका बनाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया है। तो इसकी थिकनेस आप देख लीजिए किस तरह से है, तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रहेगी। चलिए अब पत्तों पे लगा लेते हैं इस बैटर को। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ऐसी परात ले ली है, अब परात पे उल्टा कर दिया परात को मैंने, और ये पत्ते को भी उल्टा कर दिया है, और उल्टा ही हमें फिर इस पे बैटर चारों तरफ लगा लेना है। इक्वली चारों स्प्रेड कर देना है, मसाले की कोटिंग अच्छे से कर देना है। मसाले में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखिए बेसन हमारा घर का है, घर पे पिसा हुआ है, हमारा गाना है। तो मैं एक और पत्ता ले ले रही हूँ, इसे भी ऐसे बिछा लेना है, और इक्वली ऐसे मसालों को स्प्रेड कर देना है। इसमें थोड़ा झंझट रहता है, लेकिन ये जो बनता है ना, तो क्या मजेदार बनता है इसके पकौड़े। तो ये मैंने तीसरा पत्ता लिया है, इसे भी इक्वली स्प्रेड कर दे रही हूँ मैं। इसे कुछ जगह पे महाराष्ट्र में इसे आलू बड़ी कहते हैं, गुजरात में पात्रा कहते हैं, हमारे यहाँ जूरी रिकवच अरबी के पकौड़े इस नाम से इसे जाना जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स इसी तरह मैंने 6-7 पत्ते की कोटिंग कर ली अच्छे से। अब देखिए कैसे इसे फोल्ड करते हैं। तो मैं ये वाला हिस्सा उठाऊंगी इस तरह से थोड़ा सा, और इस पर भी हमें बैटर लगा देना है, स्मूथ बैटर अच्छे से, ये देखिए, और इस ओर से भी ऐसे फोल्ड करना है।
और इसे भी अच्छे से कवर कर देना है ताकि खुले ना ये। अब ये वाला हिस्सा लेना है, इस पे भी हमें बैटर लगा देना है। और ऐसे इसे रोल शेप में मोड़ लेना है। तो धीरे धीरे अंगूठे को ढकेलते हुए ऐसे आना है। और इस हिस्से पे भी और लगा देना है। और फिर ऐसे आना है, ऐसे ऐसे ये देखिए फोल्ड हो गया। अच्छे से पैक कर देना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे बना दिया है, आपको भी ऐसे ही बना लेना है। अगर आपके पास स्टीम करने वाला कंटेनर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये देखिए हमारा देसी जुगाड़। मैंने यहाँ पे लकड़ी ले ली है, बांस की कैन कहते हैं इसे, तो इसे साइड साइड, तो ये जो बांस की कैन है इसे इस तरह से रख लेंगे साइड साइड में कुछ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे बांस के पत्ते लिए हैं, आप ये धो लिया मैंने इसे, आप यहाँ पे मकई के भी पत्ते ले सकते हैं। तो इसे ऐसे बिछा देना है, इससे क्या रहेगा हम इसमें अरबी के पकौड़े डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं, अच्छे से स्टीम होगा। तो क्या करना है हमें, 5 मिनट इसे देखना है, पानी में जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें अरबी के पकौड़े रखेंगे। सो फ्रेंड्स, पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है तो मैं अरबी के पकौड़े इसमें रख दे रही हूँ इस तरह से। फ्रेंड्स, इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो इसका पानी सूख जाएगा तो अच्छे से ये कुक नहीं हो पाएगा। तो हमें लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है और ढक देना है फिर इसे। फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट हो गए हैं तो मैं इसे खोल के देख लेती हूँ। तो ये देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है, तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ। तो यहीं पे मैंने बांस की छोटी सी लकड़ी ली है तो मैं इसमें होल डाल के देखूंगी। ये देखिए एकदम क्लीन निकला, इसका मतलब अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे निकाल लिया है, तो मैं आधा घंटा इसे ठंडा करूंगी, फिर इसे फ्राई करूंगी मैं तवे पे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे कट कर ले रही हूँ, तो पतले पतले स्लाइसेस इसके कट कर ले रही हूँ फ्राई करने। तो फ्रेंड्स, इसे मैं तवे पे हल्का फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है, आप कोई भी पैन ऑन ले सकते हैं। तो चारों ओर तेल को फैला लेना है, तो एक एक करके इसे रख देना है और इसे क्रिस्पी करारा बना लेना है। तो ये अरबी के पकोड़े कम तेल में ही फ्राई हो जाते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। तो इतना इतना करके मैं फ्राई कर ले रही हूँ, हल्का सा और तेल स्प्रेड कर देना है ताकि और एक क्रंची बने, अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देख रही हूँ पलट के, एक साइड से पक चुके हैं तो मैं पलट लेना है इसे। तो पलटने के बाद दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा तेल और डाल देना है। अच्छे से काफी ये सिक जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए क्रिस्पी करारे हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ, काफी जबरदस्त लग रहा है। इसी तरह हमें बाकी के भी बैचेस फ्राई कर लेना है। तो यूपी स्टाइल ये रिक्वेस्ट तैयार हो चुका है, बस खाने के लिए गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए, मजा आ जाएगा और गले में थोड़ा भी खराश नहीं होगा। क्योंकि जो हम हर्रे डाले हैं ना, तो आप हर्रे डालना भूले नहीं, उसे हमेशा डालें।
माता जी टेस्ट कर रही हैं, बताएंगे कैसा बना है। खूब अच्छा बना है, खूब मीठा, हाँ, खूब कुरकुरा, हाँ, अगर नहीं खाते तो बहुत अच्छा बना है। तो बाय कदम। अगर आपको ये यूपी के रिक्वेस्ट पसंद आ गए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन यानी घंटी को जरूर बजाए, उससे मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे घटाक से मिल जाए।